आप देख रहे हैं समाचार ए टू जेड। विजय कैंडिडेट प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव के संसदीय क्षेत्र कन्नौज में सपा को बड़ा झटका लगा है। 5 नगर पंचायत बाद 3 नगर पालिका में सपा यहां एक भी सीट नहीं जीत सकी। जिले में निर्दलियों का बोलबाला रहा। बीजेपी को 1 नगर पंचायत व 1 नगर पालिका में जीत मिली। वहीं बसपा ने खाता खोलते हुए 1 नगर पंचायत व 1 नगर पालिका में जीत का परचम लहराया। वहीं कन्नौज नगर पालिका व 4 नगर पंचायत में निर्दलीय प्रत्याशी ने जीत हासिल की। कन्नौज नगर पालिका में सपा व भाजपा को धूल चटाने वाले निर्दलीय प्रत्याशी शैलेंद्र अग्निहोत्री ने 4245 मतों से जीत हासिल कर बड़ा उलटफेर किया। वहीं गुरसहायगंज नगर पालिका में बसपा पार्टी के प्रत्याशी धीरेन्द्र आर्य ने बीजेपी के अशोक गुप्ता को हराया। जीत के मौके पर निर्दलीय प्रत्याशी शैलेंद्र ने कहा कि ये जीत जनता की जीत है और उनकी प्राथमिकता नगर पालिका का विकास करना है। वहीं गुरसहायगंज नगर पालिका से विजयी बसपा प्रत्याशी धीरेन्द्र आर्य ने कहा, जनता ने उनको मौका दिया है, अब जीत के बाद जनता की सेवा करना है। वहीं छिबरा मऊ नगर पालिका से विजयी हुए बीजेपी प्रत्याशी राजीव दुबे ने कहा कि उनकी जीत जनता की जीत है। हाँ? मैं इस जीत का श्रेय मां फूलमती, बाबा गौरी शंकर व कन्नौज की समस्त जनता को दूंगा, जिसने सभी कठिन परिसरों में हमारे मुख्य कार्यकर्ताओं ने, चाहे जितनी भी विषम परिस्थितियां आई, पर डटके खड़े रहे, तमाम तरह के हमको दृश्य देखने को मिले। पिछले 1.5 महीने में कई कठिनाइयां जूझनी पड़ी, लेकिन कार्यकर्ताओं ने हिम्मत नहीं हारी। यहाँ तक मेरा एक कार्यकर्ता हर्ष गुप्ता इस समय जिला अस्पताल में भर्ती था, कल तक अभी मुझे जानकारी मिल रही, मेरी बात नहीं हो पा रही है उससे, शायद MRI के लिए कानपुर गया है, काफी क्रिटिकल कंडीशन में है। इस तरह के मेरे जो कार्यकर्ताओं ने जुझारूपन दिखाया है, बाबा गौरी शंकर मां फूलमती का आशीर्वाद, कन्नौज के तमाम समस्त जनता का स्नेह और वो हमारे कार्यकर्ताओं का अपना अटूट परिश्रम का श्रेय इस जीत को जाता है। देखिए, मैंने चुनाव में मठाधीश या इस सब चीजों कोई गौर नहीं किया, सब मुझसे बड़े हैं, मैंने इस चीज पे केवल फोकस रखा। मुझे जहाँ से सहायता मिलनी थी मैंने सबसे अपनी मदद मांगी, जिन्होंने सहायता की उनको भी धन्यवाद, जिन्होंने सहायता नहीं की उनको बहुत बड़ा धन्यवाद कि उन्होंने कठिन परिसरों में हमारे कार्यकर्ताओं में और ज्यादा जोश भरा। अभी हमारा मुख्य फोकस जो नगर पालिका की जो 4 प्रमुख बातें हैं उनको लेके हमें अपनी बिल्कुल एड़ी से चोटी तक कार्य करना है और कन्नौज नगर को आदर्श नगर पालिका बनाना है। देखिए, गढ़ किसी का कुछ नहीं होता है, सब कुछ जनता के हाथ में होता है। जो कार्य करेगा जनता में, निश्चित रूप से वो जनता के हृदय में जगह बनाएगा। और बाबा गौरी शंकर का अपूर्ण आशीर्वाद जो मुझे मिला है, जितना भी आशीर्वाद मिला है उसने मुझे कार्य करने की जो क्षमता दी, और बाबा गौरी शंकर मुझसे जो कार्य करवाए मां फूलमती के आशीर्वाद से, आज उसकी विजय है। भारतीय जनता पार्टी में चुनौती तो कोई थी नहीं, बस मुझे एक ही बात का कष्ट रहा, मुझे टिकट नहीं मिल पाई, बाकी चुनौतियां तो पार्टी हमारी मात्र, मैं स्वयं सेवक हूं राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का। देखिए, मैं केवल कन्नौज का हितैषी हूं, कन्नौज की जनता का हितैषी हूं, जहां से भी जैसे भी कन्नौज की जनता का हित होगा मैं उसके साथ हूंगा, और हमारे लक्ष्य जो पूरा करेगा, हमारी विचारधारा के साथ चलेगा, मैं उसके साथ होऊंगा। बहुत खुशी हो रही है, बसपा का मैं प्रत्याशी था और जनाधार ने जो है सर माथे पे लिया मुझे। जीत के बाद अब जनता की सेवा करना है पूरी तरह मुझे। जी मैं मानता हूं, लेकिन मैं कांटों का ताज पहनने का आदी हूं। इससे पहले मेरी वाइफ जीती थी, तब भी सरकार मेरी नहीं थी, तो चेयरमैनी उस टाइम भी की थी, तो सरकार विपक्षी सरकार के उसमें,
तो कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि जनता के हित में जो भी परियोजनाएं होती हैं वो कोई भी गवर्नमेंट हो कुछ कम कुछ ज्यादा करके दे सकती है, लेकिन देंगी जरूर। देखिए मुझे नौजवान जो शिक्षित बच्चे हैं उनके लिए कार्य करना है, क्योंकि गरीब बच्चे हैं हमारे शहर में, वो इतनी महंगी पुस्तकें मुहैया नहीं करा सकते हैं उनके वालदेन वगैरह, तो मैं एक लाइब्रेरी ज़रूर देना चाहूँगा उनके लिए, बुज़ुर्गों के लिए भी कुछ करना चाहूँगा। मतलब मैं प्रत्येक इकाई को प्राथमिकता से देखना चाहूँगा, उनके लिए कुछ करना चाहूँगा, जनता को, गरीब जनता को खास तौर से। भारतीय जनता पार्टी के हम प्रत्याशी हैं और शिवरामपुर नगर से प्रत्याशी हैं अध्यक्ष पद के लिए। जीत का श्रेय तो वैसे तो हमारे परिवार को जाता है, लेकिन इस परिवार के साथ साथ इस शिवरामपुर नगर को मैं अपना परिवार मानने लगा हूं, इसलिए इस पूरे परिवार को जाता है, पूरे शिवरामपुर नगर को जाता है इस जीत का श्रेय। एक कोई व्यक्ति ये कहे कि हमें इसका श्रेय है वो गलत बात है, पूरे शिवरामपुर नगर ने मुझे इसके मुकाम तक पहुँचाया है। कहने की पार्टी का भी बिल्कुल, पार्टी का बिल्कुल सहयोग है, पार्टी के पूरी तरीके से सहयोग है, और पार्टी जिस तरीके जिस नीतियों को लेकर के चली है उसी की यहाँ पर विजय हुई है। और जहाँ तक हमारा मानना है हमारी जीत में बहुत कुछ हिस्सेदारी पार्टी की भी है। आप देख रहे हैं समाचार।